25 मई को छठे चरण में सुल्तानपुर में चुनाव होना है। मेनका गांधी एक बार फिर से सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार है। चुनाव से ठीक पहले सुल्तानपुर के पूर्व विधायक और बाहुबली चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मेनका गांधी से उनकी पुरानी अदावत है। अब एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने मेनका गांधी से बातचीत की, जिसमें मेनका गांधी ने कहा कि यहां पर कोई बाहुबली नहीं बचा, जो कानून तोड़ेगा वो जेल जाएगा। इस बार की चुनावी लड़ाई और बयानबाजी को लेकर भी मेनका गांधी ने राहुल गांधी को घेरा है। मेनका ने राहुल गांधी के खटाखट गरीब महिलाओं के खाते में पैसे आने वाले बयान पर उन्हें शेख चिल्ली कहा। बीजेपी में वरुण गांधी के भविष्य पर मेनका ने कहा कि इस पार्टी में उनका भविष्य उज्जवल है। अभिषेक उपाध्याय ने बातचीत की मेनका गांधी से और इसी दौरान तमाम सवाल उनसे रहे, जिसको लेकर मेनका गांधी ने जवाब दिए। बाहुबली वाले बयान पर उन्होंने कहा कि यहां पर कोई बाहुबली नहीं बचा है, जो कानून तोड़ेगा वो जेल जाएगा। और इस बार की जो चुनावी लड़ाई है और जो बयानबाजी चल रही है उसको लेकर भी राहुल गांधी को लेकर मेनका गांधी बात रखती हुई नजर आई। अभिषेक उपाध्याय से बातचीत हुई है, सुनिए। हमारे साथ में सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी मौजूद है। मेनका जी, पहला सवाल बड़ा ही आपको मैं एकदम आजकल की घटनाक्रम बता रहा हूँ। बाहुबली की एंट्री की बात की जा रही सुल्तानपुर की राजनीति में, बाहुबली की एंट्री, सोनू सिंह ने समाजवादी पार्टी कल रात में ज्वाइन की, अखिलेश यादव ने ज्वाइन कराया है, आप बड़ी बुलंद आवाज उठाती रही हैं बाहुबलियों के खिलाफ। ये जो एंट्री हुई है मेनका जी, इसे आप कैसा देखती हैं, सोनू सिंह समाजवादी पार्टी में एक दो दिन पहले? इस पर मैं कॉमेंट करना नहीं चाहती हूँ। यहाँ कोई बाहुबली बचे नहीं, तो जहाँ भी जाए खुश रहे। तो के आने से आपको कोई, आपकी चुनाव को डिरेल होने का कोई खतरा या कोई समस्या नहीं? आपने चैलेंज किया उनको, तो हम लोग जानते हैं यहाँ की राजनीति में आपने सोनू सिंह को चैलेंज करके रखा है। जो कानून तोड़ेगा वो जेल जाएगा, खत्म हो गई बात। इसमें बाहुबली और नो बाहुबली का सवाल नहीं है। हम यहाँ एक शांत जगह चाहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अब सेटल डाउन हो गया है। कोई बाहुबली इस तरीके का बचा नहीं है। अब जिसको जाना है कौन सी पार्टी में, हम कौन रोक सकता है? उम्मीद थी कि अखिलेश यादव कांग्रेस एन मौके पर ये कदम उठाएंगे कि सोनू सिंह को शामिल करें। कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, अब खुश रहे दोनों। दुआ भी दे रही हैं, सबको दुआएं मिलती हैं, पूरे क्षेत्र में सबको दुआएं मिलती हैं। तो आपका कैसा चल रहा है? अब तो दो दिन बाकी रह गए, आप लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ डटी हैं और अभी सबसे आप बात कर रही थी, मैं बाहर देख रहा था। क्या पिछली बार और इस बार के मार्जिन में मेनका जी क्या उम्मीद लग रही है? मैंने बहुत काम किया है 5 साल में, अब उसका उसका अंजाम तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। आपको उम्मीद है कितना मार्जिन? कभी नहीं। अधिकारों के लिए आपने बहुत आवाज उठाई है, एक केस स्वाति मालीवाल का हो गया है दिल्ली में बहुत चर्चा में, कुछ आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं उसको। एक बात और बता दीजिए, आपकी आप यहाँ पर हैं, आपके पड़ोस में रायबरेली अमेठी में चुनाव खत्म हो चुका है, वहाँ गांधी परिवार लड़ा है, रायबरेली में राहुल गांधी लड़े हैं, क्या आपको लग रहा है वहाँ की लड़ाई को देखते हुए? चूँकि आप ऑब्जर्वेशन आपका हो ऐसे है कि इलेक्शन में मैं सुल्तानपुर के बाहर देखती भी नहीं हूँ, वो लड़े जैसे मैंने कहा खुश रहे। तो आशीर्वाद दिए जा रही खुश रहने, क्या करूँ मैं? क्या करूँ? रायबरेली में बीजेपी जीत सकती है आपको लगता है? I don't know at all. तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी की आपको पूरी संभावना है? तीसरी बार वापसी? हाँ है, लगता है कि हम लोग आएंगे। नहीं, आपको संख्या का है, हालांकि आप अपना ही नहीं बता रही हैं सुल्तानपुर का, तो मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं अपना ही नहीं बता पा रही हूँ तो बाहर का क्या बताऊँगी, लेकिन लगता है कि आ जाएगी सरकार आसानी से। आ अब कोई चीज़ जिंदगी में आसानी से नहीं होती, लेकिन आ जाएंगे। बता दीजिए वरुण यहाँ पर आएंगे, कैसी चर्चा है कि आपके सपोर्ट के लिए आखिरी मौके पर यहाँ आएंगे? कल आ रहे। वरुण का भविष्य आगे का क्या देखती है? बहुत ही उज्जवल, इसी पार्टी में उज्जवल है या कहीं और भी जा सकते? नहीं, इसी पार्टी में। यू नो, लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि MPs ही पार्टी होते हैं, लेकिन एक पार्टी में 1 करोड़ लोग हैं, उनमें से 200-300 ही तो MP हैं या 400, उसके अलावा भी तो लोग होते हैं बेटी। जो लोग चलाते हैं पार्टी वो अक्सर पार्लियामेंट में नहीं होते हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये बात कह रही हैं कि इसी पार्टी में भविष्य उज्ज्वल है वरुण गांधी का, मतलब ये जो तमाम चर्चाएं थी कि पार्टी छोड़ सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं अपना खुद का, ऐसा कोई? अब इलेक्शन के बाद देखते हैं बेटे।
आपसे बस आखिरी सवाल कर लो क्योंकि आपको जाना होगा, और ये सवाल मैं आपसे सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए कर रहा हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ और हमेशा से एक चर्चा मैंने सुनी है कि राहुल गांधी वरुण गांधी में एक चर्चा ये भी है कि वरुण गांधी का जो इंटेलिजेंस लेवल और जिस तरह की उनकी उनकी प्रखरता है, अगर वो जगह जो राहुल गांधी के पास है वो वरुण गांधी के पास होती तो शायद सिनारियो कुछ और होता। कभी सोचती इस बारे में? ये अगर मगर में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? वो क्या है वो पोएम, अगर मैं मुझे मूछ होता तो मैं लड़का होता, तो या कुछ ऐसे नहीं। तो ये अगर मगर में नहीं पढ़े। इंटेलिजेंस लेवल वरुण की बहुत हाई है, लेकिन यू नो किस्मत भी तो एक चीज़ होती है। जहाँ है, जहाँ उसकी माँ है। ठीक, गांधी कुछ कहेंगी आप राहुल गांधी की वे या पॉलिटिक्स? नहीं, एससी एसटी ओबीसी को कोई यहाँ पर वही नहीं, जगह ही नहीं है। हम खटाखट पैसे की बातों कर रहे हैं कि सरकार आएगी खटाखट 1,000 रुपये 1,00,000 रुपये अकाउंट में आना। कहाँ से लाएंगे पैसे? बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेके हम दे देंगे, वो कह रहे हैं अदानी अंबानी से लेंगे। यू नो दिस इज कॉल्ड शेख चिली। तो अब शेख चिली में हम लोग पढ़ते नहीं है। शेख चिली वाली बातें कर रहे हैं सब? नहीं, लेकिन ये वाली तो शेख चली है। आप बहुत ही संक्षिप्त जवाब देती हैं कुछ चीज़ों का, जवाब देकर के एकदम से आप खामोश हो जाती हैं। गांधी परिवार पे आप खुल के क्यों नहीं बोलती हैं? क्या एक आपका पारिवारिक रिश्ता इस नाते आपने ऐसा कुछ रास्ता चुना है? मैं किसी चीज़ पर लंबा बोलती नहीं हूँ। सुल्तानपुर पर लंबा बोलती हैं, लेकिन सुल्तानपुर भी छोटे स्पीचेस हैं। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। मेनका जी हैं अपनी बात कहते हुए, और इस बार जीत की पूरी उम्मीद है। और अहम बात ये भी वो कह रही हैं कि जो यहाँ के लोग हैं उनके प्रति जो उनका समर्पण है वही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज सुल्तानपुर। तो मेनका गांधी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई बाहुबली नहीं बचा है, लेकिन समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद बाहुबली सोनू सिंह ने भी एबीपी न्यूज से बात की और मेनका पर निशाना साधा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान सोनू सिंह ने कहा कि अगर अपने लोगों के लिए लड़ना बाहुबली है, बाहुबल है, तो मैं बाहुबली हूँ। अगर मैं अपराधी हूँ तो 5 साल मेनका गांधी सांसद रही, 5 साल उनके बेटे सांसद रहे, तब तो उन्हें मुझमें कोई कमी नहीं दिखी। सोनू सिंह ने यह भी कहा कि जनता हिसाब बराबर करेगी। कि क्या हिसाब चुकता करेंगे इस बार? पिछली बार आप हार गए थे, आप 2 दिन पहले ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हराएंगे मेनका गांधी को? अब देखिए, मैं पूरी ईमानदारी से निष्ठा से पार्टी उम्मीदवार जो रामभूपाल निषाद जी लड़ रहे हैं उनके लिए पूरी मेहनत से मेहनत करूंगा। जीतना हारना तो ऊपर वाले के हाथ में। आपके जहन में ऐसा कुछ नहीं है कि हिसाब बराबर करना है? अब हिसाब तो जनता बराबर करेगी ना, मैं थोड़े बराबर करूंगा। देखिए, जहां तक बाहुबली की बात है तो बाहुबली तो मैं हूं नहीं, लेकिन अपने लोगों के लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए संघर्ष करना, अगर ये बाहुबल कहलाता है तो ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।